बांधे देश में नवाई उडारी। देखो इस कमरे को, यहाँ पे मौजूद एक एक चीज मेरे उस इंतजार की गवाही देगी जो मैंने तुम्हारे लिए किया। देखो 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 अरमान, देखो। कबूल है, कबूल है। अरे नूर को आपने दूसरी औरत बना दी। अम्मी अरमान, एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। पहले मेरी बात सुनो। जब हम बॉर्डर पे थे तब मैंने ना वहां एक वादा किया था कि मैं ना हमारी एक फैमिली बनाऊंगा। हमारी फैमिली बनाने का वादा आसमां। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुमसे तुम्हारे बच्चे के बाप को कभी नहीं छीनूंगी। तुम्हारे बच्चे का बाप मेरे बच्चे का बाप कभी नहीं बनेगा। क्यों इतना बड़ा फ्रेम किया मेरे साथ? क्यों नहीं किया? मैंने कुछ नहीं किया, एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। और वो आलिया को चुन्नी चढ़ाने वाली बात जब तुम्हें पता चली थी, है ना आसमा, तुम कितने अपसेट हुई थी मेरे साथ। किरमार तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे बताया क्यों नहीं, क्यों किया ऐसा, क्यों किया? और आज इतनी बड़ी बात सबसे छुपाई तुमने, उसका क्या आसमा, उसका क्या, हाँ उसका क्या? आज अरमान क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे अरमान, छोड़ो अरमान, छोड़ो मुझे। देखो मेरी तरफ, अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी पूछना है, कोई भी सवाल है तो मुझसे पूछो, मेरे पास सारे जवाब है। तो पहले क्यों नहीं बताया फिर? हाँ पहले क्यों नहीं बताया? अगर आज वो वीडियो मेरे सामने नहीं आती ना, तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि तुम्हारा निकाह नहीं हुआ। अरमान नहीं हुआ मेरा निकाह। मैं निकाह में बैठी जरूर थी, मैंने दो बार कबूल है बोला भी था, पर मुर्तजिम को नहीं, माँ साहिब की शर्त को। बीबी नूर, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या आपको ये निकाह कबूल है? नहीं, मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। पीछे जाओ वरना शूट कर दूंगी इसे। तुम्हें धोखा देने से पहले ना मरना मंजूर है मुझे अरमान। तुम्हारी जान खतरे में थी, तुम्हें कैद करके रखा था, इसलिए मुझे माँ साहिब से डील करनी पड़ी। पहले कबूल है पे अरमान की फांसी रुक जानी चाहिए, दूसरे कबूल है पे अरमान सरहद पे होना चाहिए, और तीसरे कबूल है पे अरमान अपने वतन में होना चाहिए। तुम्हारी जान खतरे में थी अरमान, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मुझे इस निकाह के लिए हाँ करनी पड़ी। मुझे अगर दोबारा भी ये करना पड़े तुम्हारी जान बचाने के लिए, तो मैं करूंगी अरमान। और तुम्हें कभी भी मेरे प्यार पे शक हुआ नहीं, तुम हालातों को इल्जाम देना अरमान, मेरे प्यार को नहीं। क्योंकि अगर तुम मुझ पे डाउट करोगे ना, तो मेरे पास मेरे प्यार के लिए दलील या सफाई देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे लिए मेरा प्यार मेरी इबादत है, और इबादत की दलील या सफाई नहीं दी जाती। क्या रहा इस घर में? ओ बेबी, हो सकता है आसमान ने ये सब दबाव में किया हो। और रहने दो वीर जी, मुझे जबरदस्ती और दबाव तो कहीं नजर ही नहीं आया, सज धज के तो बैठी हुई थी वो वहाँ पे। वो कह रही है ना कि उसने तीसरा कबूल है नहीं बोला, तो फिर हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? और भूलो मत, हमारे अरमान को वहाँ से आसमा ही सही सलामत वापस लेकर आई है। ओ बीजी, पता है मैनू, कुछ नया बताओ। मेरा तो दिमाग नहीं काम कर रहा, क्या सही है क्या गलत है, ये तो आसमा ही जानती है। अरमान, क्या बात हुई तेरी आसमा से? हाँ क्या पट्टी पढ़ाई उसने तुझे? हमारे मैटर में ना बोलने की जरूरत नहीं है, आई समझ जा। नहीं अरमान, मुझे जानना है कि उसने तुझसे क्या बोला। यही बोला होगा ना कि सब कुछ झूठ है, और तूने आसानी से उसकी बात भी मान ली होगी, है ना? मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब एक एक सबूत हम सबकी आंखों के सामने, तो फिर भी उसकी झूठी कहानियों पे क्यों यकीन कर रहा है अरमान।
खुद ही सोच, उसका दूसरे मुल्क में जाना, किसी गैर आदमी के साथ उसके घर में रहना, तब तो उसके याददाश्त में चली गई थी ना। कौन जानता है कि उन दोनों के बीच में क्या क्या हुआ होगा। पर अरमान, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा ना कि बात निकाह तक पहुंच गई। आपने अरमान से क्या कहा है? दरअसल हमने आपको अरमान की दूसरी बीवी की शक्ल में देखा तो हमसे रहा नहीं गया, और यही बात हम उनसे पूछ बैठे। हमें माफ कर दीजिए। हम नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा और अरमान का प्यार बहुत मजबूत है। अगर मैंने दूसरी बीवी होना चूज किया है तो वो हमारे प्यार की खातिर। हम दोनों अलग अलग रास्तों पे जरूर हो सकते हैं, पर हम साथ चल रहे होते हैं। ये हमारा प्यार है, किसी के आने से इस प्यार में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी। अरमान, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं अच्छे से जानता हूँ आसमान ने क्या किया है और क्या कर रही है वो। इसलिए आलिया, अच्छा होगा तुम हम दोनों से दूर रहो। अरमान, 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 मेरी बात सुनो। नहीं अरमान, ये तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं तुम्हारे और आसमा के बीच में हमेशा रहूंगी, या फिर उसे हम दोनों के बीच से निकाल दूंगी। और तुम देखना, ये दिन बहुत जल्दी आएगा। हटो यहां से, चलो। ऐसा क्या छुपा रही हो तुम अंदर? कुछ तो है जो वो हम सबसे छुपा रही है। बस बस इसी बात का पता लगाना है मुझे। तुम देखना आसमा, बहुत जल्दी तुम्हारी चोरी मैं सबके सामने ले आऊंगी। बैठो बैठो, ये मैं इंजेक्शन लाया हूं, इससे थोड़ा आराम मिलेगा, और वो ट्रक ना एक दो घंटे में पहुंच जाएगा जिसमें आप दोनों को रवाना होना है। जैद, आपके लिए खाना लाई हूँ। नहीं खाना। जैद, मेरे हाथ से भी नहीं खाना? बस नहीं खाना। पर आपको तो भूख लगी थी ना? अब आप रहने दीजिए, हम संभाल लेंगे इसे। नहीं, पर इसे तो भूख लगी थी ना, और इतना लंबा सफर है, खाना तो खाना चाहिए इसे। आप भूल गए ना? भूल गए? जैद, मुझे सच में याद नहीं है मैं क्या भूल गई, आप बताओ ना प्लीज। नहीं बताऊंगा। सैद, सैद बिना, दरअसल आज सैद का बर्थडे है। बर्थडे? हैप्पी बर्थडे सैद। अपने बर्थडे वाले दिन कौन गुस्सा होता है? गुस्सा छोड़ दो। मैं केक काटती हूँ। केक? अब प्लीज, यू गाइस डोंट वरी, मैं समझा दूंगा उसे। समझाना नहीं, समझना है। बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करना तो बनता है ना, है ना अरमान? हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने वाली बात है? जैद का बर्थडे हम जरूर मनाएंगे। सच्ची? मुझे मैं ना केमिस्ट से पूछ के ये इंजेक्शन लाया हूँ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। अम्मी, मुझे केक काटना है। हाँ, हम केक काटेंगे ना, मैं केक लेके आती हूँ, पर पहले आप मुझे प्रॉमिस करो आप बाहर नहीं जाओगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मैं अभी गई और अभी आपके लिए केक लेके, ठीक है? तब तक सोचो, चलो। देखिए,
आप तकल्लुफ मत कीजिए, बेकार में आप लोग परेशान होंगे, हम बहला लेंगे इसे। तुम आराम करो, हम इसके बर्थडे मनाने की तैयारी करते हैं। केक मंगाना रिस्की हो सकता है ना। मेरे पास एक आईडिया है। अबू मम्मी कब आएगी केक लेके? आ जाएंगी बेटा। मम्मी केक लाएगी, मैं खाऊंगा। मम्मी जल्दी आ जाओ, केक खाना है।